सब्बो संगवारी मनला जय जोहार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? में से बहुत बड़े हो गए, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी हम लोग खड़े हैं दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज की हमारी जो ट्रेन यात्रा है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12808 हज़रत निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम यानी कि VSKP समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग में आती है सुबह के 5:17 पे। लेकिन आज गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो किया गया है। वो ट्विस्ट ये है कि अपनी जो ट्रेन है ये मथुरा से बीना जंक्शन के बीच में जो है ना वो डाइवर्ट कर दी गई थी, इसलिए जो ट्रेन है ना ये जो है 1-2 घंटा जो है वो डिले हो चुकी है। वैसे 5:17 की जगह आज अपनी ट्रेन आएगी यहाँ पे सुबह के 8:00। वैसे समता एक्सप्रेस में हमारा भाई साहब जर्नी जो है वो आज फर्स्ट टाइम होने वाला है, देखते हैं जर्नी एक्सपीरियंस जो है वो कैसे होने वाली है। हज़रत निज़ामुद्दीन से मैं जर्नी को कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना आपको ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन में या फिर एंटरटेनमेंट में किसी भी तरह की जो कमी जो है ना वो मैं रखने नहीं वाला। वैसे मौसम जो है वो काफ़ी सही हो रखा है, थोड़े थोड़े बादल, धूप जो है हल्की हल्की निकली हुई है और दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में अभी अपन खड़े हुए हैं। आगे आपको इस ट्रेन के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी कुछ देर के लिए मैं हूं आपके साथ और आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इस समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। वैसे अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं, टाइम हो रहा है 7:22 और अभी अपनी ट्रेन जो है वो राजनंद गांव जो है वो पहुंचने वाली है कुछ ही देर में, लगभग 8:00 के आसपास। 7:58 का टाइम दिखा रहा है, अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए भाई साहब, वैसे ये जो ट्रेन है ये वीक में हर दिन नहीं चलती है, लेकिन आगे मैं आपको ज़रूर से बताने वाला हूँ कि वीक में किस किस दिन जो है ना ये अपनी जो है ट्रेन है ना ये चलती है। चलिए अब अपने प्लेटफॉर्म में चलते हैं और आज की अपनी जो जर्नी है वो होने वाली है फर्स्ट एसी में यानी कि H1 में। तो चलिए भाई साहब, अपना कोच आता है, ट्रेन आता है तो कोच दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे का जर्नी आपको विशाखापट्टनम तक कंटिन्यू करवाते हैं। वैसे विशाखापट्टनम पहुँचती है ये ट्रेन शाम को 4:30 पे, लेकिन अभी फ़िलहाल दिखा रहा है ट्रेन पहुँचेगी लगभग 7:00 के आसपास। तो चलिए भाई साहब देखते हैं कि कितनी पंचुअल है और मैं सुनाऊँ ये ट्रेन भागती बहुत मस्त है, तो चलिए आज देखते हैं कितना तेज़ भागती है। ट्रेन जो है वो अपनी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे दुर्ग जंक्शन के, और चलिए भाई साहब अपने कोच के पास चलते हैं। वैसे अपनी ये जो ट्रेन है ये दुर्ग में रुकती है, 5 मिनट का हॉल्ट है इसका दुर्ग जंक्शन में। तो चलो कोच में चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना कोच और इंटीरियर।
वैसे आज की जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है कूप डी में। कूप मिला है भाई साहब अपन को, ये है समता एक्सप्रेस का गैलरी जो है वो पूरा ऐसा कुछ है, काफ़ी प्रीमियम सा गैलरी जो है वो अपने को देखने के लिए मिला। चलो अपने कूप का इंटीरियर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई। और चाय वगैरह जो है हमने लगेज रख दिया है, और एक कप चाय जो है ना वो लिए हैं जो कि 10 रुपये की पड़ी अपने को। और ये है चाय भाई साहब, और ये रहा पूरा अपना कूप, ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई साहब। देख लो मिरर है यहाँ पे भाई साहब, स्विच बोर्ड है, 2 चार्जिंग पोर्ट है, इसको बंद कर देता है अभी फिलहाल। यहाँ पे अटेंडेंट कॉलिंग बेल्ट है, लाइट है, नाइट लाइट है वैसे। और ये देखो ये जो चीज़ है ना समता एक्सप्रेस में अलग, सियार राजधानी में अपने को सेम ऐसा ही वाला जो है ना देखने के लिए मिला था, और उसके बाद अपने को समता एक्सप्रेस में देखने मिला। इससे पता चलता है कि भाई साहब समता एक्सप्रेस को कितनी जो है मतलब मेंटेन करके रखा जाता है। और टावेल वगैरह जो है वो पहले से यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखो भाई साहब ऐसा कुछ है पूरा इंटीरियर अपने H1K कूप का, ऐसा कोई एकदम साफ सुथरा इंटीरियर है। ट्रेन जस्ट डिपार्ट होकर थोड़ा देर जो है वो हो चुका है, अभी रायपुर जंक्शन जो आएगा वो आने वाला है। उससे पहले हमने एक 15 रुपये की रेल नीर जो है, और 40-40 का ब्रेड कटलेट और उपमा जो है वो हमने ले लिया है। तो ये ब्रेकफास्ट है सुबह का आपको इस ट्रेन में देखने के लिए मिल जाएगा पेंट्री से। और दोनों जो है भाई साहब एकदम कुछ घपला नहीं है भाई साहब, एकदम फिक्स प्राइस पर मिला है आपको, एकदम रीजनेबल प्राइस में। और रायपुर आएगा उसके बाद मिलते हैं, हाँ, तो उसके बाद अपन मिलते हैं। वैसे ये है, और बिना पानी पिए अपन कोई व्लॉग को स्टार्ट करते नहीं है, लेकिन अभी पी लेते हैं पानी। छत्तीसगढ़ का है जाने वाले रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में स्वागत है आपका। और रायपुर जो है ऑफिशियली अपनी ट्रेन का एक हॉल्ट है, और अब अपनी ट्रेन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन से लगभग रायपुर तक 1385 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। और सामने भाई साहब देख लो बीस्ट खड़ा है WDG4, और यहाँ पे WAP7 विशाखापट्टनम का, और यहाँ पे भाई साहब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है, जो इसका डिपार्चर दुर्ग से अपने समता से आने के भी पहले हो गया था। और छत्तीसगढ़ का स्टार्टर सिग्नल जो है वो दे दिया गया है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, और अब अपन लोग जो है भाई साहब हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर अब तक बढ़ रहे थे। अब अगर यहाँ से आगे बिलासपुर होते हुए अपन निकल जाते, अगर हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर चलते तो निकल जाते भाई साहब हावड़ा, लेकिन अब अपने और अगर पीछे बैक लाइन तरफ जाते गोंदिया और नागपुर होते हुए अपन पहुँच जाते भाई साहब मुंबई। लेकिन अब यहाँ से हम लोग टिटलागढ़ विजयनगरम होते हुए भाई साहब अपन यहाँ से पूरी के रूट पर निकल जाएंगे, जिसको हम लोग वॉल्टेयर रूट भी जो है वो कहते हैं। इसलिए रायपुर को एक जंक्शन का दर्जा भी जो है वो ज़्यादा है। और अब जो सीनिक व्यू है यहाँ से वो चालू होगा, पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, रायपुर भाई साहब थोड़ा फॉग का वेदर है, पता नहीं कैसे बट यहाँ पे फॉग जो है ना वो हो रखा है, फॉग का जो पूरा। और अपनी ट्रेन आई है भाई साहब रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और रायपुर को छत्तीसगढ़ का बिगेस्ट ट्रेड सेंटर भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब कैपिटल है तो इसलिए है, पता नहीं। वैसे छत्तीसगढ़ का स्टार्टर सिग्नल जो है वो दे दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को जो है भाई साहब सिग्नल मिल चुका है, तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तो भाई अब निकल जाएगी यहाँ से, और अपन जो है सब वॉल्टियर रूट पे जो है आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। वैसे 10 मिनट का हॉल्ट अपना है, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को बाय बाय बोल देते हैं, इसका डिपार्चर जो है वो हो चुका है रायपुर जंक्शन से। भाई साहब यहाँ से अपन वॉल्टेयर वाली लाइन में यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये है हावड़ा मुंबई मेन लाइन जो यहाँ से अलग हो जा रही है, और ये जा रही है भाई साहब हावड़ा की तरफ। और अपन यहाँ से विजयनगरम टिटलागढ़ वाया होते हुए पूरी वाली लाइन वॉल्टेयर वाली लाइन में जो है अपन यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, और ये जो लाइन है यहाँ से ये अलग हो जाती है।
1555 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है कांता बांची में, जो कि आता है ओडिशा में, और अपनी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट, इसीलिए क्योंकि ट्रेन के गार्ड, मैनेजर और लोको पायलट जो है यहाँ पे चेंज होने हैं, और काफ़ी पैसेंजर जो है कांता बांची से डीबोर्ड जो है वो कर चुके हैं अपनी ट्रेन को। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये कांता बांची में 10 मिनट रुकती है, और कांता बांची से पहले आपको इस ट्रेन में जो लंच का ऑर्डर है वो ले लिया जाता है। वैसे ये जो ट्रेन है ये वीकली ट्रेन है, इसलिए ये हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है भाई साहब सिर्फ मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, और बीएसकेपी विशाखापट्टनम से चलती है भाई साहब संडे को ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे सैटरडे को ये ट्रेन बीएसकेपी से चलती है। सुबह के 7 बजे आपको डिपार्ट करवा देगी हज़रत निज़ामुद्दीन से और अगले दिन आपको पहुँचा देगी बीएसकेपी अपने डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और हमने भाई साहब 80 वाली थाली जो है वो ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पे हम सफ़र का जनरेटर जो है वह काफ़ी आवाज़ कर रहा है, काफ़ी पैसेंजर जो है कांता बांची से डिबोर्ड कर चुके हैं, और यहाँ भाई साहब देख लो रतलाम का WAG-7 लोकोमोटिव जो है वो भी यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल गया है। वैसे इससे पहले आपको जो काफ़ी अमेजिंग से व्यू थे वो कैसे लगे ज़रा कम पहाड़ वाड़ा के आगे भी और दिखाने वाला हूँ आपको पूरा विशाखापट्टनम तक, ज़रा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। और कोच कंपोजिशन के बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको इसी वीडियो में, कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में कितना लगने वाला है आपको आगे बताते हैं। ये है समता एक्सप्रेस का, ये देखो भाई साहब पहले देख लो, ये है ए कैबिन, ये है कैबिन नंबर है, इसमें पेट्रोल वगैरह जो है पूरा रखा हुआ है। वैसे यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं है, ये पूरा कर्टन वगैरह इसको साइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ है भाई इंटीरियर देख लो, एसी वगैरह सब प्रॉपरली एकदम वर्क कर रहे हैं। ये चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भी फिलहाल बंद कर देते हैं, चारों के लिए एकदम चार एकदम, जो ये जो एलएचबी कोच है ना ये एकदम नया है, ऊपर से कूलिंग भी जो है एकदम बराबर एकदम अच्छे से हो रही है भाई साहब, एकदम पूरा सबसे एकदम कैबिन। चार लोग फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं आप, सबसे बढ़िया वाला यहाँ पे बहुत से एकदम, आगे बता दूँ फेयरिंग के बारे में भी, लेकिन आप देख लो सबसे बहुत बढ़िया है भाई साहब, लेग स्पेस वगैरह भी सब कुछ बहुत सही है। पीशा के टिटलागढ़ में स्वागत है आपका, और टिटलागढ़ जो है हज़रत निज़ामुद्दीन से टिटलागढ़ की जो दूरी है वो है भाई साहब 1590 किलोमीटर, और टिटलागढ़ जो है वो एक जंक्शन है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से भाई साहब एक बैक लाइन रायपुर की तरफ निकल जाती है, झाड़सुकड़ा और विजयनगरम के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से निकलती है, ये तीन लाइन यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे काफ़ी पैसेंजर जो है टिटलागढ़ में जो है वो डीबोर्ड किए हैं अपनी ट्रेन को, कुछ पैसेंजर जो है वो बोर्ड भी किए हैं अपनी ट्रेन को। वैसे टिटलागढ़ जो है ये काफ़ी फेमस है यहाँ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस और टेंपल्स के लिए, जो मेन दो फेस्टिवल्स हम मनाए जाते हैं वो शिवरात्रि और शीतल षष्ठी, अगर आप यहाँ आते हैं इन दो फेस्टिवल्स के टाइम पे तो आपको काफ़ी धूमधाम से और उत्सव से ये दो फेस्टिवल्स जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम था वो था सुबह के 9:50 तक, क्योंकि अपनी ट्रेन पहुँची है 12:50 पे। ईशा की इन खूबसूरत नज़ारों और ऐसी वादियाँ भरी जगहों को देख के भाई ये स्टेशन जो है मुनिगुड़ा स्टेशन पे अभी फ़िलहाल है हम, और क्या रेलवे स्टेशन है भाई, आप देखो पीछे से क्या व्यू दिख रहा है, पूरा पेड़ पौधों से हरा भरा स्टेशन है भाई, एकदम
गोवा टाइप वाली वाइब वो आ चुकी है। वैसे मुनिगुड़ा जो है ये आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा स्टेट में, काफ़ी सुंदर है भाई साहब ओडिशा स्टेट। और वैसे ये जो स्टेट आता है संबलपुर डिवीजन के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत। वैसे यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है ENGD मुनिगुड़ा का, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन को पहुँचना तो था यहाँ पे सुबह 11:20, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है सुबह मतलब दोपहर के 2:30। वैसे प्लेटफॉर्म जो है वो क्या बोलते हैं, अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मुनिगुड़ा के, और ये अपना कोच एकदम सामने की तरफ ही है, इसलिए भाई साहब पीछे का ना कुछ अच्छे से दिख नहीं पाता। वो देखो वहाँ क्या मतलब पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, डीबोर्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब सामने में सिर्फ यहाँ पे जनरेटर दिखता है अपने को और VSKP का WAP-7 लोकोमोटिव जो है वो दिखाई पड़ता है। वैसे मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन जो है ना वो काफ़ी सुंदर रेलवे स्टेशन है, और जो सिग्नल जो है वो हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था। रेलवे जोन के RGDA यानी कि रायगढ़ा में आपका स्वागत है, जो कि आता है ओडिशा के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में। ये देखो भाई साहब रायगढ़ा रेलवे स्टेशन जो अपनी ट्रेन है वो पहुंच चुकी है, और रायगढ़ा में काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो है वो अपनी ट्रेन को डीबोर्ड किए हैं। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन नंबर 12808 हज़रत निज़ामुद्दीन VSKP विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस समता एक्सप्रेस का कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। अपनी जो ये ट्रेन है ये 6 स्लीपर कोचेस से चलती है, 2 इसमें जनरल क्लास में कोचेस है, 1 जनरेटर है, 1 लोकोमोटिव है WAP-7 VSKP का, 7 इसमें थर्ड AC इकोनॉमी इसमें देखने नहीं मिलते, 2 सेकंड AC है और 1 फर्स्ट AC है यानी कि H1 जिसमें अभी फिलहाल अपनी जर्नी जो है वो हो रही है। अगर मैं फेयरिंग की बात करूँ तो अभी मैं आपको जो फेयर बताने वाला हूँ ये एंड टू एंड बताने वाला हूँ। अगर आप इसमें हजरत निज़ामुद्दीन से लेकर VSKP विशाखापट्टनम तक ट्रेवल करते हैं आपको किस कोच में किस क्लास में आपको कितना पैसा पर पर्सन पे करने वाला लगेगा आपको एंड टू एंड अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो। अगर आप भाई साहब स्लीपर में ट्रेवल करते हो तो आपको लगने वाला है भाई साहब 765 रुपीज़ पर पर्सन दिल्ली से लेकर विशाखापट्टनम तक। अगर आप इसमें थर्ड AC में ट्रेवल करते हो तो आपको लगने वाला है सर 2000 रुपये पर पर्सन। अगर आप इसमें सेकेंड AC में ट्रेवल करते हैं AC 2 टायर में तो आपको लगने वाला है भाई साहब 2875 रुपये पर पर्सन दिल्ली से VSKP तक। अगर आप इसमें फर्स्ट AC में ट्रेवल करें जिसमें फिलहाल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एंड टू एंड यानी कि दिल्ली से लेकर VSKP तक, तो आपको लगने वाला है साहब 4985 रुपीज़ आपको लगने वाला है दिल्ली से लेकर VSKP विशाखापट्टनम तक। मैं बीच का इंटरफेयर कोई स्टेशन का नहीं बताया हूँ, एंड टू एंड यानी कि दिल्ली से लेकर VSKP तक आपको किस कोच में कितना पैसा लगने वाला है वो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ। वैसे रायगढ़ा में अभी फ़िलहाल जो मौसम है ना वो काफ़ी मस्त हो रखा है, एकदम बढ़िया से धूप वगैरह जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रही, और अपन अपने कोच से थोड़ा सा दूर जो है वो चले गए थे, थोड़ा क्या मतलब हल्का ही दूर गए थे। वैसे अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है तो आप देख लो भाई साहब 3:30 हो रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, और सिग्नल जो है वो दे दिया गया है तो चलो बोर्ड करते हैं। वैसे रायगढ़ में अपनी ट्रेन जो रुकती है वो 5 मिनट के लिए रुकती है भाई साहब।
लिए रुकी थी बस और वापस से अपनी ट्रेन चल पड़ी है। कितना सुंदर सा मौसम हो रखा है भाई, पूरा एकदम बारिश बारिश का, एकदम मानसून टाइप का। देखो भाई पूरा बारिश हो रहा है और ऐसे मौसम में समता एक्सप्रेस में जर्नी हो रही है। बढ़िया सा मौसम हो रखा है भाई साहब, मॉनसून का पूरा बारिश हो रहा है फुल, और अंदर यहाँ पे चल रहा है भाई साहब गर्मा गर्म समोसे सॉस के साथ मिर्ची भी। ये अपने को पड़ा है पेंट्री कार से लिया अपन, 20 रुपए का पड़ा है अपने को। बाहर मस्त सा मौसम और अंदर भाई पूरा कूप में अपना फुल प्राइवेसी के साथ समोसा इंजॉय कर रहे हैं भाई साहब। इससे मतलब नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस और क्या होगी जरा मेरे को बताओ यार भाई, क्या क्या मौसम है भाई, पूरा क्या मौसम है, पूरा क्लाउडी और यहाँ पे समोसा चल रहा है अपना। भाई हम तो यहाँ अपने कूप के अंदर बैठ के चाय की चुस्कियां मार रहे हैं, लेकिन भाई साहब लोको पायलट को सैल्यूट है कि इस ऐसे मौसम में भी भाई साहब 90 की स्पीड से ट्रेन को चलाए जा रहे हैं भाई साहब, एक्चुअल हीरोज भाई इंडियन रेलवेज के। अपन तो यहाँ बैठ के चाय का भी इस मौसम में अलग ही मजा है, लेकिन लोको पायलट को भाई साहब सैल्यूट है। सिग्नल ग्रीन ऑफ 12808 समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन मॉनसून। ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है बोबली जंक्शन में, और बोबली जो है इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से झाड़सुगड़ा और विजयनगरम के लिए जो लाइन्स है ना वो अलग होती है। वैसे बोबली में अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और बोबली जो है 2 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है, और अभी फिलहाल यहाँ पे 57 ट्रेन हर दिन आकर रुकती है। और भाई साहब क्या जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में जर्नी करने का जो मज़ा है ना वो 2 गुना हो जाता है। आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम आ रही होगी मेरे को, मेरी ये शायद आपको, कि भाई आवाज़ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, ये देखो भाई ये है बोबली में, और अपनी ट्रेन का अब तक लगभग 1800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है। यहाँ पहुँचने का जो टाइम था बोबली जंक्शन में वो था दोपहर के 2:13 पे, दोपहर 2:13 पे बोबली पहुंचने का टाइम था, लेकिन डिले हो गई है। खैर कोई बात नहीं, तो आगे का जर्नी दिखाता हूं आपको इस शानदार मौसम के साथ। देश के काफ़ी इम्पॉर्टेंट शहर विजयनगरम में स्वागत है आपका, और वैसे सामने में खड़ी है भाई साहब CSMBT बेंगलोर दानापुर एक्सप्रेस। वैसे इसको इम्पॉर्टेंट शहर आंध्र प्रदेश का इसलिए कहा जाता है विजयनगरम को, क्योंकि यहाँ इसको टेक्सटाइल हब या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लीजिए यहाँ कहा जाता है। टेक्सटाइल का काफ़ी एक मेजर प्रोडक्शन जो है ना वो होता है, इसलिए इसका टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है भाई साहब शाम को 6:04 पे, और अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 3:05 पे। 1850 किलोमीटर का दूरी अपनी ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से कवर कर चुकी है, और अब ये अपन पहुंच चुकी है, ये जो ट्रेन है ये पहुंच चुकी है भाई साहब
विजयनगरम जंक्शन। जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से चेन्नई वाया विजयनगरम हावड़ा मेन लाइन जो है वो निकल जाती है, झारसुगड़ा के लिए लाइन जो है वो निकल जाती है, और भाई साहब यहाँ विशाखापट्टनम के लिए जो लाइन है ना वो भी यहाँ से निकल जाती है। इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो अभी यहाँ से दिया गया है। 5 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है विजयनगरम, ऐसा है भाई साहब कुछ रेलवे स्टेशन। और सबसे आगे की तरफ जो है ना अपन लोग आए हैं, अभी फिलहाल टाइम देख लो आप 6:04 हो रहा है और बारिश जो है ना वो अभी रुक चुकी है और एक छोटा सा नैप लेके अपन उठ चुके हैं। मौसम एकदम साफ जो है ना वो हो चुका है। खैर टाइम दिखा रहा है पहुँचने का वहाँ पे विशाखापट्टनम VSKP, वो दिखा रहा है 7 बजे, यानी कि जस्ट 55 मिनट्स और विजयनगरम से। खैर देखते हैं, इसके बाद एक स्टेशन और है सीमाचलम, उसके बाद ही अगला स्टेशन है अपना VSKP यानी कि विशाखापट्टनम। खैर देखते हैं कितने बजे पहुंचती है अब। तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है भाई साहब फाइनली VSKP यानी कि विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और VSKP इसका वो है यानी कि स्टेशन कोड है। वैसे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था वो था दोपहर शाम को 4:30 पे, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची यहाँ पे 7:30 पे। इससे आपको इस ट्रेन की पंचुअलिटी का जो पता है वैसे चल रहा होगा। वैसे ये जो ट्रेन है ये मतलब वीकली ट्रेन है, लेकिन जिस दिन चलती है ऐसा होता नहीं है। ये जो ट्रेन है ये इस बार मथुरा से बीना के बीच में जो है डाइवर्टेड थी, इसलिए ये जो ट्रेन है ये डिले जो है वो हो चुकी है। वैसे अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये जो ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहा है हमारी ट्रेन में, एकदम इन्फिनिटी आउट ऑफ ऑरा प्लस 999 हो चुका है इस ट्रेन का और हमारा भी, क्योंकि हम इस ट्रेन में ट्रैवल जो है वो किया है। वैसे अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है VSKP जैसे आपको बताया हूं। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं इस ट्रेन की, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी रहा है पूरे ट्रेन में, कोई गंदगी कुछ नहीं रहा है एकदम भी। लेकिन हाँ ये है कि भाई साहब की जो पैसेंजर्स के पास टिकट नहीं है जनरल या फिर स्लीपर के पैसेंजर जो है ना वो भी 1-2 स्टेशन तक के लिए चढ़ जाते हैं। इस चीज़ के लिए अटेंडेंट को भाई साहब थोड़ा सा बोलना पड़ सकता है आपको, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए वो दिक्कत हो सकता है 1-2 स्टेशन के लिए। बाकी ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है इस ट्रेन में। चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी, और हाँ जो चीज़ टेस्ट करनी थी कैसी भागती है ये ट्रेन, वो काफ़ी तगड़ा भागती है भाई साहब, नो डाउट काफ़ी फ्लैट 130 के आसपास दौड़ी है भाई साहब ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के आसपास। और भाई साहब जो मानसून का देखने के लिए मिला है भाई साहब, अगर इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं हम, ओडिशा की ब्यूटी आपको मानसून में ही देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो मेरे साथ ट्रेवल कीजिए वर्चुअली रेल वेब इंडिया चैनल के साथ जुड़ के, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब के बायो में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक ट्रैवलर आदि, फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, वहाँ पे जर्नी अपडेट जो है वो आपको देता रहता। चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करूँगा, तब तक लिए आई एम आदि, यू आर वॉचिंग रेल वेब इंडिया, पीस बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।